मोदी के जयपुर के चुनावी दौरे को लेकर राज्य बीजेपी की कोशिश है कि संदेश पूरे ढूंढाड़ में जाए। जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। जयपुर शहर और देहात के विधानसभा सीटों की संख्या 19 है, इनमें से 16 विधायक बीजेपी के हैं। हालांकि घनश्याम तिवारी के पार्टी छोड़ने से संख्या बल जो है वो 15 ही रह गया है, लेकिन इस दौरान क्या कुछ खास अब दिखने वाला है, इसे समझने के लिए इस रिपोर्ट को जरा देखिएगा। बीते कई सालों से राजस्थान का राजधानी क्षेत्र या कहें ढूंढाड़ बीजेपी के अभेद्य दुर्गों में शुमार है। बीच बीच में कांग्रेस को सफलता मिली, लेकिन स्थायी नहीं कही जा सकती। 1980 के बाद से कमल सिरमौर बन गया। कमल के फूल की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गिरधारी लाल भार्गव जयपुर से लगातार 6 बार विधायक रहे। उन्होंने महाराजा भवानी सिंह तक को चुनाव हरा दिया था। ढूंढाड़ में 19 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। बीजेपी के 16 विधायक थे, लेकिन घनश्याम तिवारी के पार्टी छोड़ने के बाद 15 विधायक अभी भी हैं और एक कांग्रेस, एक राजपा और एक निर्दलीय विधायक है। बीजेपी की सफलता का प्रतिशत भविष्य में बरकरार रहे, लिहाजा कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इसीलिए पीएम मोदी की जयपुर में जनसभा रखी गई। ढूंढाड़ में बीजेपी के दबदबे की बात करें तो जयपुर में 2 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, शहर और देहात। विधानसभा सीटों की संख्या 19 है और मौजूदा समय में बीजेपी के 15 विधायक हैं। कोटपुतली, बस्सी और आमेर में गैर भाजपाई विधायक हैं। जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा हैं। जयपुर देहात से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बीजेपी सांसद हैं। मालवी नगर से कालीचरण सर्राफ विधायक हैं। चाकसू से लक्ष्मी नारायण बैरवा, बगरू से कैलाश वर्मा, विद्याधर नगर से नरपत सिंह राजवी, सिविल लाइन्स से अरुण चतुर्वेदी, आदर्श नगर से अशोक परनामी, फुलेरा से निर्मल कुमावत, दूदू से प्रेम बैरवा, जमवा रामगढ़ से जगदीश मीणा, विराटनगर से फूलचंद भिंडा, शाहपुरा से राव राजेंद्र सिंह, हवा महल से सुरेंद्र पारिक विधायक हैं, किशनपोल से मोहनलाल गुप्ता, चौमू से रामलाल शर्मा, झोटवाड़ा सीट से राजपाल सिंह शेखावत बीजेपी विधायक हैं। वहीं चुनाव जीतने के लिए ढूंढाड़ में बीजेपी ने कई चेहरे बदले हैं। चाकसू में लक्ष्मी नारायण बैरवा का टिकट काट कर रामोतार बैरवा को मैदान में उतारा है। सांगानेर में अशोक लाहौटी को उतारा है। बस्सी में कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिया गया। जमवा रामगढ़ में जगदीश मीणा का टिकट काटकर महेंद्र मीणा को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र भी बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन यहां से रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतने वाले घनश्याम तिवारी अभी बीजेपी से अलग होकर भारत वाहिनी पार्टी बना चुके हैं। लिहाजा यहां बीजेपी को अलग चुनावी राह पर चलना पड़ रहा है, जहां मुकाबले में अपने ही हैं। जयपुर शहर से चुनाव जीतने वाले रामचरण बोहरा ने देश भर में सर्वाधिक वोटों से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने भी रिकॉर्ड वोटों से चुनावों में जीत दर्ज की। इतिहास भी गवाह है कि जयपुर का परकोटा और इसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में बीजेपी ने उपजाऊ जमीन तैयार कर रखी है। बीजेपी का आला कमान भी जयपुर की सियासी तासीर को जानता है, लिहाजा पीएम नरेंद्र मोदी की जयपुर सभा से कमल का संदेश पहुँचाने की कोशिश है, जिससे ढूंढाड़ और मत्स्य इलाके में चुनावी लाभ लिया जा सके। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।